दुर्गा महारानी का। माता वैष्णो का दरबार है और कोरोना काल में भी भक्ति बरकरार है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच भवन पर विराजमान माँ वैष्णो की महिमा कोरोना महामारी के इस दौर में कैसी है, कैसा है कोरोना काल में वैष्णो धाम का नजारा? कोरोना महामारी का असर माता वैष्णो के दरबार में भी साफ दिखाई दे रहा है। एक वक्त था जब यहाँ भक्तों की भीड़ जुटी रहती थी, लेकिन संक्रमण के इस काल में यहाँ वीरान पगडंडियां ही दिखाई दे रही हैं। इस साल कोरोना के डर से मैया रानी का आंगन बिल्कुल सूना पड़ा है, ना भक्त हैं और ना ही यात्री। एक अजीब सा सन्नाटा है जो भारत खबर के कैमरे में कैद होकर सीधे वैष्णो धाम से आया है। कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में आपको भारत खबर घर बैठे ही माता के दरबार के दर्शन कराएगा। वैष्णो माता श्राइन बोर्ड के मुताबिक 2020 में लगभग 17.5 लाख यात्री माता के दर्शन के लिए आए थे, पर जब से कोरोना की महामारी ने इस विश्व पर दस्तक दी है, मानो हर तरफ खाली सड़कें और दहशत का माहौल है। इसमें लोग अपने भगवान को याद तो कर रहे हैं, पर दरबार में जाने से भी डर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ही बीतेगा और लोग वापसी इसका लुत्फ उठा पाएंगे, लोग आ पाएंगे, अपनी यात्रा कर पाएंगे। एक तरफ माता और भक्तों के बीच में कोरोना की वजह से दूरियां बढ़ गई हैं, वहीं कटरा से लेकर भवन तक सभी लोकल व्यापारियों का काम बहुत प्रभावित हुआ है। जहां कभी इन महीनों में उनका हजारों या लाखों का काम हुआ करता था, वहां वह अपनी दुकानें अब खुली रखे या नहीं, इस बात पर भी उनको सोचना पड़ रहा है। लगभग दिन के कितने लोग आते हैं? और पहले तो बहुत ज्यादा था। कितने फिर भी? 20,000 भी, 25,000 भी। और ये काम कब से कम हुए हैं? अभी ये जब से कोरोना का ज्यादा वो हो गया तब से बंद है। बिल्कुल कोई बोली नहीं, कोई बटा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक पैसा भी सुबह का सेल नहीं है। कल से बंद हो रखा है? बंद ही बंद है, कोई यात्रा ही नहीं, कोई बिल्कुल। चलिए आशा करते हैं कि माता रानी कुछ तो करेगी। माता के द्वार पर जाने के कई रास्ते और साधन हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर, पिट्ठू या घुड़सवारी। इस कठिन समय में एक बार के लिए यह भी सोच सकते हैं कि किसी भी माध्यम से माता रानी के फटाफट दर्शन हो जाएं और हम अपने घर को जा सकें। पर नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सब खाली है। भारत खबर की पूरी यात्रा में एक या दो हेलीकॉप्टर ही नजर आए हैं और ज्यादातर घोड़े वाले भी खाली परेशान इधर उधर घूम रहे हैं। कोरोना से पहले क्या हाल था? कोरोना से पहले ठीक था। दिन की लगभग आपको कितनी सवारी मिल जाती थी? मतलब एक दो सवारी अप डाउन हो जाता था। और अब? अभी कुछ नहीं। अब देखो मैं ऊपर से खाली आ रहा हूँ, नीचे से आधी बारी तक आया, आधी बारी से ऊपर खाली गया और उसी नीचे खाली जा रहा हूँ।
तौर पर यह भवन का रास्ता इतना खाली हो ऐसा पहले ही शायद किसी ने देखा हो, लेकिन कोरोना महामारी इतना बड़ा संकट है कि भक्तों और माता के बीच की दूरियां सुनसान रास्तों से साफ साफ दिखाई दे रही हैं। वरना भक्त अपनी माँ से आंधी हो या तूफान हर हाल में मिलने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे आसपास देखेंगे तो कोई भी यात्री यहाँ पे इस टाइम पे गर्मियों की छुट्टियों में लाखों के हिसाब से लोग आया करते थे। आपको शायद 2-4-5 मेरी पूरी यात्रा में इससे ज़्यादा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। आई थिंक कोरोना के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रखे हैं, कोई आना नहीं चाह रहा है यहाँ पर, और इसकी वजह से वैष्णो देवी का पूरा यहाँ के लोकल्स उनका बिजनेस सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोशिश करूँगी मैं कि आगे आपको लोगों से बात करने की कोशिश करूँ, पर अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है मेरे आसपास। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। जब हम भवन पर पहुँचेंगे तब शायद मैं आपको बेटर रिपोर्ट दे पाऊँ और ज़्यादा बता पाऊँ कि कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, पर अभी मेरी जितनी लोगों से बात हुई है जहाँ यहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग आया करते थे वहाँ शायद 1000-1500, जिसकी वजह से काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ के लोगों। अभी भी कुछ ऐसे लोग ज़रूर थे जो कि सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे थे। आइए अब आपको उनसे मिलवाते हैं। तो आप अकेले आए हो या आप किसी और? अकेले आए हो। तो अभी कोरोना को लेके आपका क्या कहना, क्या विचार है आपके? उत्तरा से वैष्णो माता के भवन की 13 किलोमीटर की यात्रा की आधी दूरी में पड़ने वाला अर्धकुंवारी स्थान बहुत ही खास है। इस स्थान का पौराणिक महत्व भी है। कथाओं के अनुसार यहाँ मौजूद गुफा में माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। उसके बाद भैरों का वध करने के लिए वह उस गुफा से बाहर आई थी। भैरव मंदिर का जो रास्ता है मैं उसके सामने खड़ी हूँ और माता का भवन सामने ही बस 1 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी पूरा का पूरा रास्ता खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम आपके लिए भारत खबर के द्वारा आपको बस दिखाना चाह रहे हैं कि वैष्णो माता के दरबार पर बिल्कुल कोई रश नहीं है, कोई लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोरोना की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। बस हम आशा करते हैं कि ये पीरियड बहुत जल्दी गुजर जाएगा और लोग वापस अपनी यात्रा कर पाएंगे। जहाँ लाखों के आंकड़ों में भक्त इस गुफा के दर्शन के लिए घंटों लाइन में बिताते हैं, इस बार हमारे दर्शन 15 मिनट में पूरी श्रद्धा के साथ संपूर्ण हो गए थे। कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखा है यहाँ पे। ऊपर अभी मैं दर्शन भी करके आई हूँ और यहाँ पे मतलब जहाँ घंटों के हिसाब से लाइन लगी होती थी वहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे 5 मिनट लगे दर्शन करने में। बस यही है कि कोरोना जल्दी से बीत जाए ताकि लोग अपनी यात्रा कर पाए। कोई माँ अपने बच्चे से दूर रहना पसंद नहीं करती, वैसे ही वैष्णो माँ भी चाहती हैं कि उनके भक्त विधिपूर्ण उनके दर्शन के लिए आएं। लेकिन कोरोना के इस काल में पूरा एहतियात बरतें। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पूर्णता पालन कर माता के दर्शन करें।